हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है टेक्निकल भेस में। फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे कि अपने प्लॉट या अपने खेत का नक्शा आप अपने मोबाइल या कंप्यूटर में कैसे देखें, और आपके खेत या प्लॉट के आसपास जो भी प्लॉट या खेत हैं वो किसके नाम पे हैं वो भी आप कैसे देख सकते हैं, आज मैं बताने वाला हूँ। फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइए, ताकि इस चैनल पे कोई भी वीडियो अपलोड होती है तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले अपने मोबाइल या कंप्यूटर के ब्राउज़र में जाएंगे। ब्राउज़र में यहाँ पे गूगल में टाइप करेंगे, आप जो भी आपका यूपी बिहार जो भी आपका स्टेट है उस स्टेट का आप चेक कर सकते हैं। इसका साइट लगभग सेम ही है, भू नक्शा डॉट यूपी डॉट एन आई सी डॉट इन ऐसे है, भू नक्शा डॉट बिहार डॉट एन आई सी डॉट इन ऐसे है, तो आप जिस भी स्टेट के उसका आप देख सकते हैं। अभी मैं बिहार का दिखाने जा रहा हूँ। कैसे चेक करेंगे, तो सबसे पहले अपने गूगल में टाइप करेंगे भू नक्शा बिहार, जैसे टाइप करेंगे इसको ऊपर की तरफ स्लाइड करेंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं भू नक्शा डॉट बी आई एच डॉट एन आई सी डॉट इन, इस पर क्लिक करेंगे। आप देख सकते हैं वेबसाइट ओपन हो गई है। इसके बाद आप देखेंगे लेफ्ट साइड में थ्री लाइन है, इस पर क्लिक करेंगे। जैसे इस पर क्लिक करते हैं आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आपको सारी डिटेल डालनी है, डिस्ट्रिक्ट, सब डिस्ट्रिक्ट, सर्कल, मौजा, टाइप, सीट, ठीक है, जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट है वो इसमें चूज़ डालेंगे, यहाँ से चूज़ कर लेंगे, अपने आप ही डिस्ट्रिक्ट आ जाएंगे, ठीक है। और उसके बाद में सब डिस्ट्रिक्ट, सर्कल, ठीक है, ये अपने आप आ जाएगा। उसका मौजा यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे, मौजा भी आ गया, और उसके बाद में क्लिक कर देंगे और देखेंगे ये नक्शा आ जाएगा। जो एरो वाला निशान है इस पर क्लिक, मैं इसको जूम करके दिखा देता हूँ। थोड़ा वेट कर लेंगे तो ये अच्छी तरह खुल जाएगा, नंबर्स दिखने लग जाएंगे। देखिए ये ओपन हो गया, मैं और जूम करके देखता हूँ। देखिए ये ओपन हो गया। अब इसको आप मान लीजिए आपका इसमें ये अच्छी तरह खुल जाए, फिर मैं दिखाता हूँ। मान लीजिए इसमें आपका, इसमें मैं क्लिक कर देता हूँ, ये वाला आपका प्लॉट है, खसरा नंबर इस पर लिखा हुआ है, खसरा नंबर से आप इस पर क्लिक कर सकते हैं। ऐसे क्लिक करेंगे, जैसे उस पर क्लिक करते हैं खसरा नंबर पे प्लॉट पे, आप देख सकते हैं यहाँ पे आपकी सारी डिटेल आ जाएगी। खसरा नंबर आ जाएगा, रैयत का नाम, पिता पति का नाम, जाति, निवास स्थान, ठीक है, और उसके खेत चौधरी का मतलब कि आपके खेत के आसपास जो खेत हैं वो किसके नाम पे, वो इसमें आ जाएंगे। देखिए पूरब में देवेंद्र सिंह, पश्चिम में रामविलास, उत्तर में उमा कांत, दक्षिण में इल्लक मंडल, ठीक है, तो इस तरीके से आ जाएगा। और इसके बाद में जैसे इसको आप डाउनलोड भी करना चाहें तो आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर क्लिक करेंगे, तो जैसे उसको मैप रिपोर्ट पे क्लिक करते हैं, ये देखिए आपका नक्शा आ गया पूरा, ये पूरा इसको पीडीएफ में भी कर सकते हैं, ये देखिए इसको आप डाउनलोड भी कर सकते हैं, यहाँ से सारी आपकी इसमें डिटेल आ जाएगी। मैं जूम करके दिखा देता हूँ, ये देखिए किसके नाम पे है, ठीक है, कितनी एकड़ है, ठीक है, ये आपके आसपास कौन से प्लॉट हैं, खसरा नंबर हैं, ठीक है, और इसको यहाँ से आप पीडीएफ में सेव भी कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे शो रिपोर्ट पीडीएफ, इस पर क्लिक करेंगे, देखिए ये पीडीएफ में आ गया, अब इसको ओपन कर लेंगे।
ये देखिए इसका पीडीएफ ये बन गया है, और इसको आप यहाँ से ऊपर थ्री डॉट पे क्लिक करेंगे। अगर इसको प्रिंट करना चाहें प्रिंट भी कर सकते हैं, प्रिंट पर क्लिक करेंगे। और उसके बाद में यहाँ पे अगर प्रिंट करना चाहें प्रिंट भी कर सकते हैं, नहीं तो आप इसको डाउनलोड सेव भी कर सकते हैं। देखिए डाउनलोड पीडीएफ लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करेंगे, ठीक है, ये आपका सेव हो जाएगा। यहाँ पे आप भी अपने प्लॉट या खेत का नक्शा डाउनलोड कर सकते हैं उसका पीडीएफ, ठीक है। तो अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइए। धन्यवाद।